eat picnic at the Rockwood Conservation Area. फातिमा सारा खत्म कर दोगे बड़ा मुंह खोला साथ ही मैंने कैप्चर कर लिया मैं वही फ्रीज हो गई है ना मैंने वही कैप्चर कर लिया कर दो कर दी ईद की खुशियाँ आप अपने प्यारों के साथ अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा इंजॉय करते हैं उनके साथ टाइम गुजारते हैं क्वालिटी टाइम और मज़ा करते हैं। इस दफ़ा दोस्तों ने सोचा कि बजाय इसके कि घर में ईद का कुछ एहतमाम किया जाए क्यों ना बाहर जाया जाए पिकनिक की जाए और मौसम भी बहुत खूबसूरत था कनाडा की समर्स हसीन होती हैं तो ये सोचा गया कि रॉकवुड कंजर्वेशन एरिया है यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत इलाका और हमने सोचा कि वहाँ जाकर पिकनिक की जाए। बच्चों और बड़ों ने दोनों ने ही कनोइंग को बहुत इन्जॉय किया। हमारी दोस्त है जिसके पास दो कनूज हैं और वो लेकर आई हुई थी और लेक के अंदर कुछ बच्चे स्विमिंग कर रहे थे कुछ लोग कनोइंग कर रहे थे और मज़ेदार ये एक्टिविटी थी। मौसम भी अच्छा था और पानी जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था पानी में जाना। जैकेट इतनी बड़ी है कि जो उसका सर के ऊपर चढ़ी हुई है। बाय बाय वी आर द शोर आयशा कनोइंग और स्विमिंग के अलावा वहाँ पर आप हाइकिंग कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत दो मेजर उनके मेन ट्रेल्स हैं, एक पॉट होल ट्रेल है और एक सीडर रिज ट्रेल है जिस पे आप ज़बरदस्त किस्म की हाइकिंग करें और नेचर को एंजॉय करें। बिल्कुल रॉ फॉर्म में नेचर आप एंजॉय कर सकते हैं। टावरिंग लाइमस्टोन क्लिफ्स caves and glacial potholes it's a popular destination for a healthy hike to main zarur recommend karungi ke jo log hiking mein interested hain wo zarur jaye aur enjoy kare un trails pe walk karna bahut sare log camping grounds pe the jo camping karne ke liye aaye hue the so camping karne aate hain log picnicking karne aate hain canoeing karte hain swimming karte hain itni sari activities hai har umar के इंसान के लिए वहाँ पे एक्टिविटी है। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त भाई जैसे दोस्त मेरा मुबशर जिसको हम मूवी कहते हैं उसने आयशा को बड़े ही आराम से बैठा के ताकि उसको डर ना लगे और उसको पूरी लेक में कनोइंग करवाए। हर पिकनिक पे यही पोज होता है हर पिकनिक पे विदाउट फेल और हम भी ऐसे ढीठ हैं कि जहर एक पे छोड़ देते हैं जब कोई मास्टर हो और हमारी प्यारी दोस्त सहर ने बड़े मजेदार किस्म के बारबेक्यू किया सीख कबाब बनाए
ख़वातीन जो हैं वो खाने पीने को देख रही थीं और मर्द हज़रात जो हैं वो आराम से एक्टिविटीज़ में अपनी मसरूफ़ थे और इंजॉय कर रहे थे मौसम को और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। खूबसूरत सब्ज़ा था चारों तरफ और बहुत उम्दा लग रहा था आँखों को। कुछ लोग ट्रेल्स पे बाइकिंग भी कर रहे थे। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितने फिट हैं। और जो मॉडरेट डिफ़िकल्टी का ट्रेल है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर आपको जूते पहनने हैं, प्रॉपर आपने उसके मुताबिक कपड़े पहनने हैं। और इसके अलावा जब आप कनोइंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारी आपको ऐसी खूबसूरत जगह देखने को मिलती हैं जो सिर्फ आपको लेक के अंदर या कनोइंग करते वक्त ही नज़र आ सकती हैं, वो आपको ट्रेल में से चलते हुए भी नहीं नज़र आती। तो खूबसूरत अंदर छोटे से आइलैंड भी आइलैंड्स बने हुए हैं लेक के अंदर। फिज़िकल एक्टिविटी करने के बाद फिर सब ने मिलकर खाना खाया। चिकन बारबेक्यू था, सीख कबाब थे और मज़े से पाइन ऐपल और छलियाँ हमने आग के ऊपर बनाई। और जो चाय है उसका और ही मज़ा था पिकनिक के वक्त चाय बनाने का। और सब ने मिलकर कुछ ना कुछ एक्टिविटी की। उसके बाद हमने सोचा कि भाई अब खा इतना लिया तो अब हाइकिंग कुछ करनी चाहिए। और फिर हमने हाइकिंग के लिए सोचा कि कौन सा ट्रेल चूज़ किया जाए। फिर सब ने मिलकर डिसाइड किया कि पॉट होल ट्रेल को एक्सप्लोर किया जाए। ट्रेल्स भी जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। एक इजी ट्रेल होता है, एक मॉडरेट होता है, एक ज़रा डिफ़िकल्ट वन होता है। तो आपने देखना है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, फिज़िकल फिटनेस कितनी है। और कभी कभार जो है बहुत ही स्टीप स्लोप्स होती हैं जिसपे आपको चढ़ना पड़ता है और वो ज़्यादा चैलेंजिंग ट्रेल्स भी होते हैं। उसके लिए रेकमेंडेड है कि आपके पास प्रॉपर हाइकिंग पोल होता है, जो स्टिक होती है आपके पास, वो हो ताकि आपके के घुटनों के ऊपर ज़्यादा जोर ना पड़े। वो आपके लिए रेकमेंडेड है अगर आपको नीज़ का कोई इशू है तो। एक और चीज़ जो मैटर करती है वो हाइकिंग में, वो है डिस्टेंस और कितना वक्त लगेगा। कुछ ट्रेल्स ऐसे होते हैं जो एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे के होते हैं और उसमें आप वापस आ सकते हैं, और वो अप टू 9 आवर्स का भी ट्रेल हो सकता है। तो आपने ये देखना है कि एक टाइमिंग कि आप बहुत अंधेरे में, यानी कि गुम हो जाएं, और सही वक्त पे आप निकलें ताकि आप रोशनी में ट्रेल से वापस भी आ सकें। और अपनी एनर्जी जितनी है उसके मुताबिक आप ट्रेल चूज़ करें कि भाई 2 घंटे वाला करना है। वहाँ पर जो केव्स हैं वो भी एक बहुत पॉपुलर अट्रैक्शन है, जिसके अंदर प्रॉपर आपको कॉलम्स और फ्लो स्टोन नज़र आएगा। इफ़ यू आर प्लानिंग टू विज़िट द केव्स तो मेक श्योर कि आपके लिम्ब्स कवर्ड हों, सर पे कोई प्रॉपर हेलमेट हो, फ्लैशलाइट होनी चाहिए अगर आप केव्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं। रॉकवुड हैज़ अ वेरी यूनिक जियोलॉजिकल हिस्ट्री। अ फ्यू स्पेसिफिक फीचर्स इंक्लूड ग्लेशियर ब्लफ्स, पॉट होल्स, केव्स एंड सम ऑफ द ओल्डेस्ट डेटेड ट्रीज इन ओंटेरियो। द ग्लेशियर ब्लफ्स वर फॉर्म्ड इन द आइस एज। सोचें कितने हज़ारों साल पुराना, आइस एज के ज़माने के वो ग्लेशियर ब्लफ्स हैं वहाँ पे। एंड दे कैन बी स्मॉल एंड दे कैन गेट एज लार्ज एज 30 मीटर्स डीप भी हैं एंड 200 मीटर्स वाइड भी हैं। एंड दे आर ऑल्सो ओवर अराउंड आई थिंक 200 के करीब पॉट होल्स हैं वहाँ पे, फॉर्म बाय हार्ड डिब्री एंड दैट वेरी इन साइज एंड डायमीटर, सो यू हैव टू बी केयरफुल। सो बेसिकली विद इन द कंजर्वेशन एरिया देर आर 2 ट्रेल्स, पॉट होल ट्रेल एंड सीडर रिज ट्रेल, ऑफरिंग अ इम्प्रेसिव व्यू ऑफ द पार्क एंड दे टेक यू अराउंड द रिजर्वॉयर अलॉन्ग द टॉप्स ऑफ क्लिफ्स, अक्रॉस बोर्ड वॉक्स, थ्रू वेट लैंड्स and beside big glacier potholes, and the trails are like moderate difficulty wale, jaise ki maine pehle bhi bataya. Jo cedar ridge trail hai wo aapko purani jo mills hoti thi wahan pe, wahan ke ruins tak leke jata hai, aur waterfall aap dekh sakte hain.
और जो दूसरा पॉट होल ट्रेल है इट्स मोर टूवर्ड्स द बीच साइड, जो कि बीच साइड से आपको लेके जाता है और रास्ते में आपको बेशुमार पॉट होल्स देखने को मिलते हैं और आप अकल दंग रह जाती है कि किस तरीके से नेचर ने किस तरीके से ये सब हुआ होगा आइस एज के ज़माने में और किस तरीके से ये सब चीज़ें बनी, किस तरीके से ये सब कुछ हुआ। This one is not basically there are variety of activities that you can try. You can step into nature and hike, and you can see the ruins, you can see the glacier bluffs, potholes, caves. If you want to do something different, you can rent a canoe or a paddle boat and explore the Hermosa river and check out the geological wonders. Or agar aapko bahut garmi ka mausam hai, you can always hit the beach on a hot summer day to swim or relax in the sun. Itna kuch karne ko hai aur aap pura ek din wahan guzar sakte hain.